नमस्कार दोस्तों, मैं रिम्पी सिंह अपने यूट्यूब चैनल रिम्पी रोज पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाने चलते हैं चमचम रसगुल्ला मिठाई, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, खाने में टेस्ट होती है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम नींबू के रस को हम निकाल लेते हैं और दूध को फाड़ना है, इसलिए हम नींबू के रस निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने चाय छन्नी ले लिया है, अब हम इसमें नींबू के रस को निचोड़ के निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने चमचम बनाने के लिए 1 किलो दूध से भी कम दूध लिया है, अब देखते हैं इसमें कितना हमारी चमचम मिठाई बनके तैयार होती है। तो दूध में हम ये लेमन जूस डाल देते हैं और धीरे धीरे कलछी से चलाते रहेंगे ताकि हमारे दूध फटकर छेना बन जाए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमारे दूध फटकर छेना बन चुके हैं, ये देखिए दोस्तों। अब हम इसे एक साफ कपड़े में छन्नी से छानकर निचोड़ कर रख देते हैं, देख लिया। दोस्तों इसे 2-3 पानी हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसके अंदर का खट्टापन खत्म हो जाए, और इसे हम 2 मिनट के लिए बांध कर रख देंगे ताकि सारा पानी जो है निकल जाए और निचोड़ जाए। दोस्तों हमने छेना को छन्नी से निकाल लिया है कपड़े से, अब इसे खूब मलेंगे। दोस्तों अब हम इसका गोल गोल अपने मनपसंद आकार का डो बना के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ओवल शेप में बनाया है, आप चाहे तो गोल या फिर जैसे भी अपने मनपसंद का साइज बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे चाशनी के साथ उबालने को छोड़ते हैं। कढ़ाई हमने गरम कर लिया, उसमें पानी 2 कप हमने डाल दिया है, अब इसमें 3 ढक्कन कम से कम चीनी डाल देंगे चाशनी के लिए। चाशनी हमारी खोलने लगी है दोस्तों, अभी हम इसमें एक एक करके सारे चमचम को डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे हमारे चमचम खिलकर बिल्कुल तैयार हैं। अब थोड़े देर में और पकने देती हूँ 5 मिनट, इसके बाद हम इसे सर्व करके आपके सामने दिखाते हैं। दोस्तों चमचम बनकर तैयार है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।